ओके तो हेलो दोस्तों, क्या चल रहा है? दिस इज आरिस, आप लोग देख रहे थे 802 राइडर को। तो आज मैं पहुंच गया हूँ KTM कोंडापुर में। यहाँ पे हमारे आंखों के सामने आप लोगों को दिख जाएगी, दिस इज़ द ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 250 विथ द ब्रांड न्यू TFT डिस्प्ले। देख सकते हो TFT डिस्प्ले यहाँ पे 250 में भी आ गया है। तो अभी हम लोग इसकी फुल लेंथ रिव्यू करने वाले हैं, इसके सारे स्पेक्स बताऊंगा आप लोगों को और TFT डिस्प्ले में क्या क्या चेंजेस है वो भी बताऊंगा और पुरानी वाली ड्यूक 250 से भी कंपेयर करूंगा मैं। ओके सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों तो अभी हम लोग इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वही KTM का सिग्नेचर, ड्यूक का सिग्नेचर, बोल्ड अग्रेसिव स्टाइलिंग एंड शार्प एज फिनिश के साथ आती है और हम लोगों को बहुत अच्छे सी ड्यूक वाली ब्रांडिंग मिल जाती है एंड ये बहुत ही स्पोर्टी लुक दिख रही है अभी एंड इसके तगड़े वाले मिरर्स भी दिख रहे हैं और इसके बाद हम लोगों को अंडरबेली एग्जॉस्ट मिल जाता है। ओके तो अभी हम लोग इसका TFT डिस्प्ले कैसा है ये देखते हैं। तो वही रेडी टू रेस वाला एनिमेशन एंड हम लोगों को ये मिल जाता है होम पेज ऑफ TFT डिस्प्ले एंड इसमें हम लोगों को ऑयल गेज, इंजन मैलफंक्शन इंडिकेशन, ABS इंडिकेशन, गियर इंडिकेशन और माइलेज, बैटरी एंड एवरेज स्पीड एंड ट्रिप डिटेल्स दिख जाते हैं एंड यहाँ पे स्पीडोमीटर दिख जाता है एंड हम लोगों को RPM मीटर भी है एंड यहाँ पे हम लोग इसके मेन्यू के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे दिस इज़ द मेजर डिफरेंस, आप लोग इस वीडियो को इसीलिए क्लिक किया है कि 200 और 250 में क्या डिफरेंस है TFT डिस्प्ले में। तो 250 में हम लोगों को मोड्स मिल जाते हैं, 200 में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल में मोड्स मिलते हैं हम लोगों को, एक है स्ट्रीट मोड और एक और है ट्रैक मोड एंड इसके बाद हम लोगों को ABS में रोड और सुपर मोटो मिल जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को बाइक इन्फो मिल जाती है, पूरी बाइक की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एंड आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि इसके एनिमेशंस कमाल के हैं और कूलिंग टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडोमीटर, सर्विस कब कराना है सब कुछ दिखा देगा और इसके बाद हम लोगों को ट्रिप इन्फोस दिख जाते हैं। तो इसके सेटिंग्स के अंदर हम लोगों को फेवरेट्स मिल जाते हैं, फेवरेट्स के अंदर हम लोग होम पेज में जो जो चाहिए हम लोगों को वो सब अरेंज कर सकते हैं, दिस इज़ अ गुड अपडेट एंड इसके बाद हम लोगों को क्विक सेलेक्टर मिल जाता है। क्विक सेलेक्टर में यहाँ पे अप एंड डाउन एरोस में हम लोग जो चाहिए वो सेट कर सकते हैं, राइड मोड चाहिए तो वो सेट कर सकते हैं या फिर हम लोगों को ट्रिप डिटेल्स चाहिए तो वो भी सेट कर सकते हैं एंड उसके बाद आती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में हम लोगों को इसके अंदर ब्लूटूथ फ़ोन पेयरिंग, हेडसेट पेयरिंग एंड हेडसेट टाइप भी मिल जाता है एंड इसका KTM का एक ऐप मिलता है एंड वो आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन के साथ आता है, वो आगे बताऊँगा मैं आप लोगों को एंड इसके बाद हम लोगों को क्विक शिफ्टर प्लस मिलता है। ये भी दिस इज़ ऑल्सो द मेन डिफरेंस बिटवीन KTM ड्यूक 200 एंड 250 एंड 200 में हम लोगों को क्विक शिफ्टर नहीं आता है एंड इसके बाद शिफ्ट लाइट, अगर आप लोग को डे मोड चाहिए या फिर नाइट मोड चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्लॉक एंड डेट भी सेट कर सकते हो, यूनिट्स भी सेट कर सकते हो अगर किलोमीटर्स में चाहिए, माइल्स में चाहिए वो भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है लैंग्वेज। तो अभी हम लोग एक्स्ट्रा फंक्शंस के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे द रियल गेम हैपेंस, आप लोगों को KTM की तरफ से एक ऐप मिल जाता है विथ सब्सक्रिप्शन, आप लोगों को 4999 का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। उसके साथ आप लोग इसको नेविगेशन के लिए कनेक्ट कर सकते हो आपके मोबाइल एंड दिस TFT डिस्प्ले को एंड ऑन द गो में आप लोग पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शंस देखते हुए आप लोग जा सकते हो। यहाँ पे कॉल, ऑडियो, नेविगेशन, क्विक शिफ्टर प्लस एंड रिमोट कंट्रोल मोड भी मिल जाता है। ये थे इस TFT डिस्प्ले में नए फीचर्स एंड पुराने फीचर्स। आप लोग 200 एंड 250 ड्यूक में कौन से फीचर्स अच्छे लगे कमेंट करो एंड ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि क्विक शिफ्टर के साथ मिल रही है 250 ड्यूक एंड आप लोगों को मोड्स भी मिल जाते हैं इसके अंदर एंड बहुत ही मॉडर्न फील करा रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आती है 250cc इंजन, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन आती है हम लोगों को, 6 स्पीड गेयर बॉक्स के साथ आती है
और हम लोगों को ये प्रोड्यूस करती है 31 BHP ऑफ पावर एंड 25 Nm ऑफ टॉर्क। एंड हम लोगों को यहाँ पे कर्वड रेडिएटर मिल जाता है, यहाँ पे पहले स्ट्राइड हुआ करता था, अभी कर्वड मिल रहा है यहाँ पे। एंड हम लोगों को देख सकते हो अंडरबेली एग्जॉस्ट मिल रहा है, और इसके बाद हम लोगों को कूलेंट कूलेंट की टैंक यहाँ पे मिल गई है। यहाँ पे हम लोग सस्पेंशन और ब्रेकिंग की बात करें तो हम लोगों को इन्वर्टेड सस्पेंशन मिल जाता है आगे, और पीछे मोनो सस्पेंशन साइड फ्रेम में मिल जाता है हम लोगों को। एंड यहाँ पे हम लोगों को ब्रेक्स ड्यूअल चैनल ABS मिलता है, और यहाँ पे हम लोगों को 320 mm की फ्रंट डिस्क मिल जाती है, और पीछे वाली 240 mm की मिल जाती है, दोनों वाइब्री ब्रेक्स है। और हम लोगों को सस्पेंशन मिल जाता है WP Apex का। ओके, तो फीचर्स एंड लाइटिंग की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमको नया 2024 एडिशन ड्यूक वाला हेडलैम्प मिलता है, जो कि बहुत सही लग रहा है। एंड हम लोगों को यहाँ पे दो LED लाइट्स भी मिल रहे हैं, डिज़ाइन डिज़ाइन अपग्रेड हो जाती है इससे। एंड इसके बाद हम लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंटली मिल जाते हैं द हज़ार्ड लैम्प्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिस वॉज द ओल्ड वर्जन ऑफ KTM ड्यूक 250 विथ LCD डिस्प्ले, एंड तो इसको अभी अपग्रेड करके TFT डिस्प्ले बना दिया है। एंड ये अभी भी सेल हो रही है विथ LCD डिस्प्ले। आप लोगों को हेलमेट फ्री मिल जाएगा, KTM की तरफ से प्रीमियम हेलमेट मिल जाएगा आप लोगों को, वर्थ ऑफ 6,500 रुपीज़ का हेलमेट मिल जाएगा। अगर आप लोगों को TFT डिस्प्ले नहीं चाहिए तो आप लोग LCD डिस्प्ले वाला भी ख़रीद सकते हो, आपको बहुत अच्छा ऑफ़र मिल जाएगा हेलमेट का। एंड और भी बहुत सारे ऑफ़र्स हैं, अगर आपको ऑफ़र चाहिए तो KTM कोंडापुर को कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, तो अभी हम लोग इसकी एग्जॉस्ट नोट कैसी है वो भी देखते हैं। तो ये था हमारा फुल लेंथ रिव्यू ऑफ न्यू KTM ड्यूक 250 विद 350 डिस्प्ले। एंड आपको ये बाइक कैसी लगी कमेंट करके बताओ। एंड आप लोगों के लिए आखिरी में एक बोनस वीडियो रहेगा, मिस मत करना उसे। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओके दोस्तों, हेयर कम्स द सरप्राइज एलिमेंट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दी सबकी फेवरेट ऑरेंज कलर में KTM ड्यूक 200 विथ TFT डिस्प्ले हम लोगों को मिल रही है। ये हर जगह नहीं मिल रही है, सिर्फ KTM कोंडापुर में, वरुण मोटर्स KTM कोंडापुर में मिल रही है। आप लोग यहाँ पे आके विजिट करके इस बाइक को खरीद सकते हो।